वेलकम टू क्रेजी गिल्स। आज हमारी राखी की प्रेपरेशन चल रही है, तो हम राखी बना रहे हैं हमारे छोटे भाई के लिए और हम बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि उसकी ये फर्स्ट राखी है और हम खुद ही बना रहे हैं राखी। और मैं एम्ब्रॉयडरी थ्रेड यूज कर रही हूँ, एक येलो और एक ऑरेंज या रेडिश। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने छोटा थ्रेड लिया है और एक पर्ल लिया है और फिर एक बड़ा वाला क्योंकि उसको डबल जो करना होता है। बहुत ही प्रैक्टिस की है क्योंकि कई बार जो है जो हम नॉट बनाते हैं वो अच्छे से नहीं बनती और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैंने इतनी प्रैक्टिस की कि बहुत अच्छा रिजल्ट आए। और मैं एक ट्विस्टेड मैक्रम ब्रेसलेट वाली राखी बना रही हूँ और ऐसे फोर बनाकर फिर ऐसे करके ऐसे ही करते जाना है। और ये देखिए ये ट्विस्टेड वाला आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने ये वाला भी बना लिया है और मैं सेकंड कर रही हूँ, सेकंड जो साइड है और वो भी नियरली फिनिश्ड ही है, तो मैं आपको बाद में फिनिश रिजल्ट दिखाती हूँ। कितने सारे बीज है सोने सोने के, इतने सारे पौधे में। अब मैं अपनी रेड वाली बना रही हूँ और मेरी येलो वाली भी बनकर रेडी है और देखिए कितनी प्रिटी लग रही है। और मैं अब रेड वाली में एक डिफरेंट टाइप ऑफ मार्क यूज करूंगी। तो आप भी अपने ब्रदर के लिए खुद बनाएं और मजा भी आता है बनाने में। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरी रेड वाली भी बनकर रेडी है और ये है मेरी येलो वाली, देखिए कितनी अच्छी लग रही है दोनों। इसके बाद एनवलप बनाएंगे इसे पैक करने के लिए। मैंने दो राखी बना ली है, एक बानू की तरफ से और एक मेरी तरफ से। और मैंने एक चाचू के लिए भी बनाई है, अब मैं बनाऊंगी एनवलप। उसके लिए मैंने लिया एक कार्ड स्टॉक और फिर मैंने मेजरमेंट्स कर ली हैं, फिर मैं इसे काटूंगी। और मैंने ऐसे काट लिया वी में, अब मैं इसको चिपकाऊंगी, पहले इसे फोल्ड कर लेंगे। और मैंने जो ये कार्ड स्टॉक लिया वो भी एक कार्टून जैसा ही है और अब मैं इसे ग्लू से चिपका लूंगी। पहले देख लेंगे कहाँ तक ग्लू लगाएंगे। मैंने ग्लू जो है वो लगा ली है, अब मैं इसे ऐसे जोड़ दूंगी। और इसके बाद हम बनाएंगे स्वीट, बिकॉज राखी तो अधूरी है स्वीट्स के बिना। और ये हमारा एनवलप भी बनकर रेडी है और इसमें हम अपनी राखी डाल देंगे, पहले इसे थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। मैंने एनवलप रेडी कर दिया है और इसमें नाम भी लिख दिया है और एक स्लाइडिंग वाला भी बना लिया जिससे बंद हो जाता है वो, और इसमें हम अपनी राखी डाल देंगे। और बानू थक गया था तो वो अपना लंच कर रहा है।
हमारी राखी रेडी है। तो राखी तो हमने बना ली, अब हम बना रहे हैं मिठाई। लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि लॉकडाउन ना हो जाए, लेकिन एक्साइटेड भी हैं और आपको हम दिखाएंगे जब सारी मिठाई बनकर रेडी हो जाएंगी। तीन चार मिठाई हमने सोच रखा है बनाने की और अब मैं बना रही हूँ नान खटाई। कुछ मम्मा हेल्प कराएंगे मुझे बनाने के लिए और कुछ मैं खुद ही बनाऊंगी। बहुत एक्साइटेड और वो मुझे बोल भी रहा है कि वो भी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने नान खटाई बनाकर रेडी कर लिया और बानू ने भी मेरी हेल्प की और बाद में हम इसे इसमें पैक करेंगे और इसे डेकोरेट भी करेंगे। बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो हमारे दूसरे चैनल पे जाएं जिसका नाम है ग्रिल विद किल्स। और अब हम इसे पैक करेंगे एक कपड़े में। तो फ्रेंड ये देखिए हमने इसे पैक कर लिया है एक बॉक्स में और इसे हम इसके साथ डेकोरेट करेंगे। आप लगा लगे फ्रेंड्स ये देखिए हमने सारी मिठाई बनाकर रेडी कर लिया। कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल ऐसी लगी जैसे बाजार से ही आई हूँ, लेकिन हमने ये घर पर बनाई है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने एक गिफ्ट बैग में अपने मिठाई के डब्बे जो हमने पैक किए थे वो डाल लिए हैं और उसे थोड़ा डेकोरेट करने के लिए हमने ये फ्लावर भी लगाया है उस पर। अब हम जो हमने राखी और एनवलप बनाया था ना वो भी लगा देंगे, उस पर हमारे छोटे भाई का नाम भी लिखा है हमने और साथ में रख देंगे रोली चावल और साथ में दिया। और हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बांधेंगे राखी हमारे छोटे भाई को। हम बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि उसकी फर्स्ट राखी है ये। तो मिलते हैं राखी के दिन। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।